आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में अनाकृतवीजी पौधों के बारे में पढ़ चुके थे, अब हम इनके बारे में आगे आवृतवीजी पौधों के बारे में पढ़ेंगे। आवृतवीजी का तात्पर्य है कि जो हमारा बीज बनेगा, सबसे पहली चीज इसमें जो बीज बनेगा उसके ऊपर एक आवरण पाया जाएगा जिसको हम कहते हैं आवृतवीजी, तथा इनके आधार पे उनको अंदर पाए जाने वाले विशेष लक्षणों और इनके हमारे जीवन में क्या महत्व है, आर्थिक महत्व को बारे में जानेंगे तथा इनसे हमें क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। उसके पहले हम ये जानेंगे इनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो आवृतवीजी जहाँ पौधों की बात करते हैं तो उनमें द्विनिषेचन तथा पुष्पों का पाया जाना बहुत ही मुख्य रूप से है, क्योंकि पुष्प जो होता है इनका जननांग माना जाता है, क्योंकि बिना पुष्प के इन्हें जनन की प्रक्रिया नहीं होती। तो इसमें इनके लक्षणों की बात करें तो ये इनका
ये हो गए इनके लक्षण, जिनके आधार पर आप यह कह सकते हैं कि ये हमारे आवृतबीजी पौधे हैं। तथा इसके बाद हम इन पौधों के और कुछ खासियतों के बारे में जानेंगे, जिसमें कि के आधार पर इन आधारों पे आप इनको बांटते हैं। उनमें आपके मटर, सरसों, आम, ये सारे काष्ठी सूरजमुखी पौधे पाए जाते हैं, जिनके आधार पे आप इस समूह को जानते हैं। इनमें कोई आपके इनके अंदर बीज पत्र पाए जाते हैं, जिनके आधार पे आप इनको दो भागों में बांटते हो, एक बीज पत्री तथा द्विबीज पत्री। एक बीज पत्री ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एक ही बीज पत्र पाया जाता है। द्विबीज पत्री वे पौधे होते हैं जिनमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं। यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।